विंची, हाँ? अगर मैं तुम्हारा स्मार्टफोन लेके तुम्हें एक ट्रेडिशनल ब्लैक डायल वाला शाइनी टेलीफोन दे दूँ तो? सनी, चीजें ट्रेडिशनल होने के साथ साथ जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी होती रहनी चाहिए, तभी यूटिलिटी में बनी रहती है। जिंदगी में पहली बार इसने पते वाली बात की है। मैं हमेशा पते की बात करती हूँ। वैसे इसी बात को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बखूबी समझा और जरूरत के हिसाब से खुद को ढाला है, तभी तो ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए इस इंडस्ट्री के सफलता के मंत्र को जानते हैं हुनर की बात में। आप हमारे देश के मशहूर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर। थैंक यू। आपका अपना लेबल है, जेम्स फेरेरा लेबल। आप हेरिटेज में काम करते हैं, हैंडलूम्स में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं। आप मुझे बताइए हेरिटेज कनेक्शन स्किल्स के साथ क्या है? इफ यू लुक एट एनीथिंग, अगर आप किसी बिल्डिंग या कपड़े या कोई भी पारंपरिक हुनर की बात करें तो ये हमारी परंपरा से आता है, और अगर हमें इसे आगे ले जाना है तो हमें इसे बढ़ावा देना होगा। Encourage all of this and foster heritage. Right. तो ये skills, जी, आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? I've started. मैंने हैदराबाद में स्कूल शुरू किया जिसका नाम है डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि पारंपरिक कलाओं को पढ़ाता है। तो ये जो आप स्किल्स पढ़ाएंगे या समझाएंगे, वो हैंडलूम्स में आप किस तरह की स्किल्स आप उनको सिखाएंगे? I want to teach them spinning. मैं उन्हें कताई सिखाऊंगा, बुनाई, पारंपरिक डाई करने के तरीके, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय साड़ी पहनने के 108 तरीके। It is sad that today, आज ये बड़ी दुख की बात है, हम लोगों को केवल 4 से 5 तरीके ही पता है, जिसमें सीधा पल्लू, उल्टा पल्लू, आसाम की हाफ साड़ी, बस इतना ही। And that's it. साड़ी भी तो बनती है, जो वो हुनर है हैंडलूम्स में हाथ का, उसमें आप कैसे हुनर सिखाते हैं? इन हस्तशिल्पियों को हम लेक्चरर बनाएं। अगर हमारे यहाँ ये लोग सिखाने आएंगे, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो जो हुनर हम लोग नहीं सीखना चाहते, उन्हें सिखाते हुए इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी फ्रेंच या इटालियन लड़की को ये बताना मुश्किल है कि ये बनता कैसे है, पर अगर हम कैमरा लेकर जाए, lessons, there's virtual everything. उनके सामने रखें, उन्हें फॉलो करें, उनका काम रिकॉर्ड करें और बाद में उसे बाहर भेजें। And then send it out. Handlooms में और handicrafts traditional जो हैं उसमें value देखने के लिए क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा? If we can take these skills and make them modernized. अगर हम skills या हुनर को लेके उन्हें modern बनाएं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आजकल टाई एंड डाई तरीके का इस्तेमाल करके ड्रेसेस बना रहा हूँ। जैसे किस तरह की ड्रेसेस? वेस्टर्न ड्रेस। आप ये जो वेस्टर्न टाइप ड्रेसेस बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है या हमारे अपने देश के मार्केट के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जहाँ जैसे मैं कटिंग करते हैं, वो इंडियन फिगर के ऊपर बहुत अच्छा दिखते हैं। वाओ। क्योंकि वो ड्रेप की, क्योंकि वो ड्रेप के हिसाब से किया है, जो सब मेरा कपड़ा में सिर्फ एक ही सीम है। एक ही सीम है, यानी कि टेलरिंग की जरूरत कम है? बहुत कम। ये कैसा है, इसका बताइए। दिस इज टोटली डिफरेंट। ये काफी अलग है। यहाँ मैंने कपड़े को लेकर एक ही जगह पर सीम का इस्तेमाल किया है। मैं पहले कपड़े सी लेता हूँ और बाद में उन्हें टाई एंड डाई करता हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रहे हैं कि ये जो आप टाई एंड डाई आपने जो किया है, वो ड्रेस बनाने के बाद आप करते हैं? हाँ। कंट्रोल आता है उसका? हाँ, जरूर। और फिर मुझे कई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं और कई पैटर्न्स मिलते हैं। अगर हम इसे पारंपरिक तरीके से करें जैसे बांधनी में है, तो ये ऐसे ही है। बहुत कम मैंने देखा है कि फैशन डिजाइनर्स पढ़ाते भी हैं। आप टीच करते हैं? जी। कब से टीच कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल से आप टीच कर रहे हैं। आपका टीच करने का टेक्निक क्या है? आई टीच टू लर्न। व्हाट एन आईडिया। मुझे लगता है वो सबसे अच्छा तरीका है। एक्सप्लेन दैट। बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग। क्योंकि हमेशा बच्चों के तरफ से कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ऐसा जिसे हमने सोचा नहीं होगा। कि ये समझना कि वे क्या देख रहे हैं और उन्हें अगले लेवल तक ले जाना, ये केवल सिखाना नहीं, सीखना भी हो जाता है। तो आपने अपने डिजाइन जो है, फैशन के डिजाइन आपने लैक्मे फैशन वीक में भी दिखाए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम है क्या? For me, it's fun. मेरे कपड़ों में नववारी साड़ी थी,
शोलापुरी ब्लैंकेट्स थे जिनको मैंने ओवर डाई करके जीन्स बनाए थे. अब मैं आपको इसका एक और भारतीय फीचर बताता हूँ. ये मतलब ये ऐसा ड्रेस है जो आप इसको लंबाई में पकड़िएगा ऐश्वर्या जी, अगर आपको एक्चुअली पहनना हो तो वो इसका जो है नीचे तक फॉल जाएगा ना. And what happens is because of this drape falling. क्योंकि इसका ड्रेप इस तरह से नीचे आ रहा है, ये हमारी कमर को सॉफ्ट लुक देता है. That is the beauty of India. That is the beauty. ये भारत की फैशन की खूबी है और यही खूबी मैं अपने कपड़ों में उतारते रहता हूँ. In my garments. This is the beauty of your thinking and your thought, your design, which brings beauty, relevance, aesthetics, and practicability all together. In one garment. And value for money. And value for money, which is most important, which is why this garment will sell. That's right. And thank you for this value for money interview, James. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you very, very much. All the best in the future.